वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम ब्लॉग 096। और आज हम डिफरेंस बताने वाले हैं डोमिनार 250 और डोमिनार 400 में। 400 है तो इसी में से ही मैं आप लोगों को बता दूंगा क्या क्या आपको डोमिनार 250 में मिलता है और क्या यहाँ आपको 400 में मिलता है। तो देर ना करते वीडियो करते स्टार्ट। और तो सबसे पहले हम डोमिनार 250 और डोमिनार 400 की फ्रंट में चेंजिंग की बात करेंगे कि फ्रंट लुक में क्या क्या चेंजेस मिलते हैं आपको। तो फ्रंट लुक की अगर मैं बात करता हूँ तो दोनों ही बाइकों में आपको मडगार्ड पे यहाँ पर आपको कलर फिनिश मिल जाएगी। अगर आप ब्लैक लेते हैं 250 में या 400 में तो आपको मैट कलर यहाँ मिलने वाला है देखने को। अगर आप 400 में ग्रीन कलर लेंगे तो वो ग्लोसी रहेगा, और रेड कलर अगर आप डोमिनार में लेंगे तो वो भी ग्लोसी रहेगा। बैक में मडगार्ड पे आपको मैट फिनिश मिलने वाली है, और जो इसमें मटेरियल यूज़ हुआ है बहुत ही फ्लेक्सिबल है जिससे आपकी टूटने की क्षमता बहुत ही कम है। अगर शोकर की बात करता हूँ तो दोनों बाइकों में आपको शोकर सेम मिलते हैं, अपसाइड डाउन शोकर मिल जाते हैं बाइक के अंदर में, जो कि बहुत ही अच्छे हैं। अगर मैं डिस्क ब्रेक की बात करता हूँ तो डोमिनार 250 और डोमिनार 400 में आपको 320 mm का डिस्क मिलता है फाइबर की ब्रेकिंग के साथ में, जो कि बहुत ही। अगर बात करता हूँ इंजन गार्ड की तो इंजन गार्ड में यहाँ आपका मेटल का यूज़ किया गया है और साइड से आपका प्लास्टिक का यूज़ किया है, लेकिन डोमिनार 250 में आपको इंजन गार्ड प्रॉपरली प्लास्टिक मटेरियल में मिलता है। उसमें के अंदर भी आपको कूलेंट वाला सिस्टम मिलता है 250 के अंदर भी, 400 में भी आपको कूलेंट वाला सिस्टम मिलता है। अगर इंजन पावर की बात करता हूँ तो इंजन पावर में आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है 250 में और 400 में। अगर 400 की बात करूँ तो इसकी 40 PS की पावर है, और अगर मैं 250 की बात करता हूँ तो आपको 27 PS की पावर देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ अगर मैं लेग गार्ड की बात करता हूँ तो लेग गार्ड में भी काफ़ी चेंजेस है। यहाँ आपको 250 में ये सिंगल लेग गार्ड देखने को मिलता है, लेकिन 400 में आपका जो कूलेंट वाला सिस्टम है, रेडिएटर जो होता है, ये भी आपका लेग गार्ड से साइड से कवर किया हुआ है बजाज ने। ये बहुत अच्छी चीज़ 400 में कर दी है। तो दोनों ही बाइकों में 400 और 250 में आपको 6-speed गेयरबॉक्स देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। अगर हम किसी नॉर्मल बाइक से जो आजकल चल रही है उनसे अगर कंपैरिजन करते हैं तो उनसे बहुत ज़्यादा बेटर पिकअप यहाँ आपको मिल जाता है। और दोनों ही बाइक में 250 और 400 में आपको सिंगल स्टैंड यहाँ देखने को मिलता है, डबल स्टैंड कोई सी भी बाइक में नहीं मिलता आपको। अगर फ्रंट की लुक की बात करता हूँ तो फ्रंट में आपको यहाँ पर बड़ी सी विंडशील्ड मिल जाती है, हैंड सेफ्टी कवर मिल जाते हैं, जो कि डोमिनार 250 में आपको नहीं मिलते। यहाँ आपको डोमिनार 400 में ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं, हैंड सेफ्टी और विंडशील्ड। 400 में और डोमिनार 250 में मीटर के अंदर भी काफ़ी चेंजिंग है। अगर मैं मीटर की बात करता हूँ तो ऊपर वाला मीटर आपको सेम मिलता है, यहाँ पर डोमिनार 250 में भी RPM आता है और यहाँ आपका स्पीडोमीटर आ जाएगा और पेट्रोल का, ये आपका सेम रहेगा। ये ABS न्यूट्रल और इंजन लाइट आपको डोमिनार 400 में यहाँ पर टैंक पर देखने को मिलेगी, जबकि डोमिनार 400 में यहाँ आपको ओडोमीटर टाइमिंग और गियर का देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूँ तो डोमिनार 400 में आपको फ़ोन माउंट के लिए भी एक फिक्स जगह कंपनी ने बना के दी है, यहाँ आप अपना मोबाइल होल्डर लगा सकते हो और वहाँ पर अपना फ़ोन कैमरा कुछ भी आप माउंट करना चाहो तो कर सकते हो। साथ ही साथ डोमिनार 400 में आपको चार्जिंग पोर्ट मिलने वाला है, डोमिनार 250 में आपको चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलने वाला। ये भी इसके अंदर बहुत ही अच्छी फंक्शन आपको मिल गई है चार्जिंग के लिए। मिरर दोनों के सेम रहने वाले हैं 400 और 250 के। साथ ही साथ यहाँ पर जो लाइटें जल रही हैं आपको इसके अंदर भी लाइट 250 और 400 में दोनों में मिलने वाली है। तो बात करते हैं अगर हम एग्जॉस्ट की तो एग्जॉस्ट दोनों बाइक में सेम रहने वाला है, और बैक में जो डिस्प्लेट आपको मिलती है दोनों ही बाइकों में 240 mm की आपको डिस्प्लेट मिल जाती है। पीछे आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है और फ्रंट में आपको ड्यूल चैनल ABS मिल जाता है देखने के लिए। साथ ही साथ तो बात करता हूँ बैक टायर की, तो बैक टायर में आपको जो है 17 इंच का ही रिम मिलता है, और यहाँ पर आपको 150 का टायर मिल जाता है, और डोमिनार 250 में आपको 130 का टायर मिलता है। रिम भी उसके अंदर जो है आपको थोड़ा चौड़ाई रिम की कम रहने वाली है, जैसे यहाँ पे आपको थोड़ा चौड़ा रिम मिला तो उसका थोड़ा कम चौड़ा रिम है, बाकी टायर साइज उसका 130 है और 400 में आपको 150 का टायर साइज मिलता है। रिम दोनों का सेम है, 17 इंच का रिम दोनों के अंदर आता है। यहाँ आपको डोमिनार लिखा हुआ मिल जाता है बहुत ही अच्छी सी फिनिशिंग में। उसके बाद यहाँ पर आपको D400 लिखा हुआ मिलेगा,
जो कि बहुत ही प्यारी लुक देता है डोमिनार को। बात करता हूँ बैक में, तो बैक में आपको 250 के अंदर में कोई बैक रेस्ट देखने को नहीं मिलता, सिर्फ पैसेंजर के लिए पकड़ने के लिए उन्होंने दो आपको इस तरीके के दिए हुए हैं। यहाँ आपको बहुत ही अच्छा मजबूत मेटल का बैक रेस्ट देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ आपको लगेज बांधने की जगह डोमिनार 400 के अंदर मिल जाती है। तो आप लोगों को डोमिनार 400 और डोमिनार 250 में कौन सी बाइक ज़्यादा पसंद आई आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो मेरे चैनल को लाइक करो भाई, वीडियो को शेयर करो। बहुत ही जल्द हमारे 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।